उम्मीदवार बनने पर देंगे सरकारी नौकरी, स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, एक दिन में मिले डेंगू के 100 मरीज, बलरामपुर से मिले डेंगू के 27 मरीज। पिछड़ों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, राजपाल कश्यप को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पिछड़ों की परेशानियों को तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट। 27 अक्टूबर को मऊ में एसबीएसपी की रैली में जाएंगे अखिलेश, गठबंधन को लेकर होगा ऐलान, ओपी राजभर ने रखी शर्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। महाराष्ट्र के मुंबई में लालबाग इलाके की 60 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण है कि ये 17 से 25 मंजिल तक फैल चुकी है। खबरों की माने तो करी रोड इलाके में स्थित ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद बताई जा रही हैं। एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं कई मजदूर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं और जो शख्स है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और बालकनी में लटका हुआ था, लेकिन उसका हाथ छूट गया और छूटते ही वो जमीन पर जा गिरा, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। तो महाराष्ट्र के मुंबई का ये पूरा मामला, लालबाग इलाके में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, किन कारणों से लगी है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। मौके पर कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनने पर कानून बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा के तहत कौशाम्बी आए शिवपाल ने मजनपुर तहसील के कोडार गाँव में आयोजित जनसभा में कहा है कि हमारी पार्टी तो सरकार बनती है तो हम हर परिवार के एक सदस्य को कानून बनाकर सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और स्नातक बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा से गठबंधन ही नहीं बल्कि विलय करना भी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, इसके बाद छोटी छोटी सेक्युलर पार्टियां, समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन का प्रयास होगा। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी सेक्युलर दलों को एक साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर शिवपाल ने कहा कि अच्छी बात है, आगे भी हो बातें। अखिलेश यादव के बात न करने पर उन्होंने कहा कि ये तो अखिलेश यादव ही जाने कि वो हमसे क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। दीपक मिश्रा प्रसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। दीपक जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि जो युवा है, जो बेरोजगार होंगे, उनको स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आखिर कब तक ये प्रलोभन जनता को देते रहिएगा? नहीं नहीं, ये प्रलोभन नहीं है। आप बुनियादी बातें आप सोचिए, हमारे देश का नौजवान, विशेषकर उत्तर प्रदेश का नौजवान, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, बीए तो पास कर लिया, उसे कुछ करना है, चाहे स्वरोजगार करे या कंपटीशन की तैयारी करे, तो उसमें कहीं भी रुकेगा, रहेगा तो लाख दो लाख खर्च करेंगे। जनता को तो आपने असमंजस में डाल दिया है। कांग्रेस कहती है हम ये देंगे, सपा कहती है हम ये देंगे, प्रसपा कह रही है कि हम ये देंगे, कितना लालच देंगे जनता को? पहले आप प्रश्न का उत्तर तो ले लें। तो अब उसको हमें कुछ इंटर्नशिप तो देना ही चाहिए ना। यह राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। शिवपाल सिंह जी एक अनुभवी राजनेता हैं, कई बार सरकारें बनाई हैं और पहले भी जब सरकारें बनी है तो उन्होंने इस तरह के इंटर्नशिप दिए हैं। आप खुद बताइए, रोजगार बीए पास करने के बाद अगर किसी नौजवान के पास पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं है तो वह 5000 रुपए का फॉर्म कहाँ से भरेगा? 20000 का डीडी कहाँ से देगा? एक चीज, अगर उसे कोई छोटा मोटा रोजगार करना है तो उसमें 1.5-2 लाख रुपए की पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब वो तो पॉकेट में चाहिए, और इसके अलावा दौड़ना धूपना, तो ये एक व्यवहारिक राजनेता का जब जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन के दर्द से वाकिफ है, एक सामान्य सी घोषणा है। ठीक है, सामान्य सी घोषणा है। अब आपने अपना पूरा उत्तर जो है वो दे दिया है शायद। जी जी, चलिए दीपक जी, अब सुनिए, 300 यूनिट फ्री बिजली,
ये तो अपने भतीजे की तर्ज पर ही चल रहे हैं जी। चलिए आओ, मैं भतीजे की तरफ से करना क्या, मतलब भतीजा इनके तरफ से चलेगा कि ये भतीजे की तरफ से चलेंगे? लोहिया के न्यारे मुलायम सिंह गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। कौन नहीं गठबंधन के लिए? शिवपाल जी ने स्पष्ट कह दिया है अदम क्षमता के बावजूद वो गठबंधन इसलिए कह रहे हैं ताकि सांप्रदायिक शक्तियों से सीधी लड़ाई लड़ी जा सके। नहीं तो जनता कहाँ जाए ये बताइए कि प्रलोभन तो चारों तरफ से आ रहे हैं, जनता कहाँ जाए? कहाँ जाए, देखिए जनता कहाँ है ये तो सब स्पष्ट हो गया ना। आप ये बताइए, आप खुद अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो रथ यात्रा को, उनके परिवर्तन यात्रा को जो जन व्यापक समर्थन मिल रहा है, जो जनजार उमड़ रहा है, वो जनता ही तो है। देखिए ये भीड़ तो हर परिवर्तन यात्रा में, हर रथ यात्रा में दिखाई देती है ना। अब प्रियंका गांधी रैली करेंगी तो उसमें भी भीड़ नजर आएगी, योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा तो वहां पर भी भीड़ नजर आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जनता फिर आपके साथ है, फिर तो सबके साथ जनता है। नहीं जनता सबके साथ है, इसमें दो राय नहीं, थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे साथ ज्यादा मात्रा में। अच्छा, आपके साथ ज्यादा मात्रा में तो, जी वरना ये बताइए, इस चुनावी दौर में जब बैठकर लोग बंद कमरों में गणित खेल रहे हैं, शिवपाल सिंह की ताल ठोक कर जनता के बीच में है, तो जो जिसके बीच में रहता है उसका, जैसे मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, जाहिर बात है हमारा आपका एक तादात्म्य है, तो उनका जनता से तादात्म्य है, इसलिए जनता के बीच में है। चलिए ठीक है, आपने वादा कर दिया है कि परिवार के एक सदस्य को जो स्नातक की परीक्षा पास करेगा, स्नातक उत्तीर्ण होगा, उसको आप 5 लाख स्वरोजगार के तौर पर देंगे। नहीं, इसके वादा बहुत बड़ा है। मैंने वादा बहुत बड़ा नहीं है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बजट है। आप विपक्ष, एक मिनट सुनिए, आप विपक्ष को तो, आप सत्ता पक्ष को तो लगातार बोलते हैं कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था केंद्र सरकार ने, उसको तो आप बहुत घेरते हैं कि एक भी रोजगार नहीं दिया। आप भी तो वादा कर रहे हैं आप देंगे रोजगार, गारंटी है इस बात की? देखिए अगर हम वादा कर रहे हैं और हम अगर सरकार में आते हैं, और वादा को अगर नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर विपक्ष हमें घेरेगा। देखिए जब सरकार ने ये कहा कि हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हमने तो ये सवाल खड़ा नहीं किया कि कहाँ से देंगे। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश देश का बजट बहुत बड़ा है, बाकी जो बचेगा वो एनएसएस से कर्ज नहीं लाएंगे, मोदी जी दुनिया भर घूम रहे क्या करने के लिए। तो अब उसके बाद अगर वो वादा नहीं किए तो आज सवालों के आंच में है ना, सवालों के घेरे में है ना, कटघरे में है ना, हम वादा अपना नहीं पूरा कर पाएंगे तो हम भी सवालों के घेरे में होंगे, हम भी कटघरे में होंगे, और आपको पूरा हक होगा कि आप हमें घेरे। आप ये तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, सुनिएगा, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं हम, वो सुनिएगा कि किस तरह से जनता बीजेपी के कारण से खुश है। अब देखिए जनता, मैं भाजपा को खारिज नहीं कर रहा हूँ, हम नरेंद्र मोदी जी की तरह से तानाशाही मनोवृत्ति के नहीं है कि सबको खारिज करते चले। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा के साथ भी 10-12% लोग शब्दों के बाढ़ बहुत अच्छे हैं दीपक जी, आपकी शब्दों के बाढ़ बहुत अच्छे हैं, एक तीर से दो निशाने करते हैं, एक तरफ आप सराहना भी करते हैं, दूसरी तरफ तंज भी कस देते हैं। जी हम कहते हैं ना कि 10-20% लोग हैं भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा का प्रबंधन इतना मजबूत होता है कि भाजपा उसी 10% को ऐसे दिखाती है कि 70-80% है। ठीक है, जब भाजपा पीक पे थी तब भी 60% वोट भाजपा के खिलाफ था, यह तथ्य है, चुनाव आयोग द्वारा निर्गत तथ्य है, ये प्रस्ताव का तथ्य नहीं है। चलिए दीपक जी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज शाम जब हम 4 बजे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो आप जरूर चर्चा में बैठे। आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से प्रलोभन यहाँ दिए जा रहे हैं, प्रवक्ता नेता ये कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन जनता किसके साथ है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस तरह के वादे हर राजनीतिक दल कर रहे हैं, जनता किसके साथ जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिन में डेंगू के 100 मरीज मिले हैं, जिसमें पॉजिटिव आए मरीजों का नमूना एलाइसा जांच के लिए भेजा गया है। वहीं कार टेस्ट में बलरामपुर अस्पताल में 27 मरीज डेंगू के हैं, सिविल अस्पताल में 36 मरीज, लोकबंधु अस्पताल में 12 डेंगू के मरीज सामने आए, वहीं 11 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीज अभी खत्म नहीं हुए हैं, एक के बाद एक कई नए मरीज
सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। एक दिन में 100 मरीज मिलने से हड़कंप भी मचा हुआ है। तो डेंगू की रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घर घर जाकर उपाय जो हैं डेंगू से बचाव के, उनके नोटिस भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए कि आखिर डेंगू फैलता कैसे है और अगर डेंगू होता है तो उस मरीज का इलाज घर पर कैसे कर सकते हैं, इसके बचाव क्या हो सकते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने भी पिछड़ों को साधने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत राजपाल कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके चलते राजपाल कश्यप बुंदेलखंड के हर जिले का दौरा करेंगे। बुंदेलखंड के हर जिले का दौरा करने के साथ ही पिछड़ों की परेशानियों की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद बुंदेलखंड के हर जिले में सम्मेलन के बाद एक समीक्षा भी होगी। यात्राओं का दौर जारी है, दौरे लगातार यहां पर तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, यानी कि फिलहाल सियासी माहौल पुरजोर तरीके से गर्माता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, प्रसपा हो, ये सभी पार्टियां जो हैं पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरह से वोटरों को अपने हित में किया जाए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो राजपाल कश्यप को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, पिछड़ों को साधने में सपा जुटी हुई है, राजपाल कश्यप को ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है। बुंदेलखंड के अलग अलग इलाकों में वो जाएंगे और एक सम्मेलन तैयार करेंगे ताकि पिछड़ों को साधा जा सके। ड्रग्स से जुड़े मामले में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आरन खान की गिरफ्तारी के मामले में तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि इस्लाम धर्म ने अपने अनुयायियों को यह नसीहत दी है कि इस्लाम धर्म में नशा करना नाजायज है और हराम है, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो गुनहगार है। मौलाना ने कहा कि शाहरुख खान हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने अगर अपने बेटे को कुछ दिन मदरसे में शिक्षा दिलवाई होती तो उसे इस्लाम के नियमों के बारे में पता होता और ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बरेली से ये बयान सामने आया शहाबुद्दीन रिजवी का, ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि इस्लाम में नशा करना गलत है, नाजायज है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे ने ऐसी तालीम नहीं ली है जिसकी वजह से वो आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, शाहरुख खान के बेटे आरन खान कई दिनों से जेल में बंद हैं, दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो ऐसे में चारों तरफ बयानबाजी की जा रही है। बरेली में भी एक बयान सामने आया जहां पर उलेमा ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में नशा करना नाजायज है, लेकिन शाहरुख खान ने अपने बेटे को ऐसी तालीम नहीं दिलवाई। इस्लाम ने साफ साफ तौर पर अपने अनुयायियों को यह नसीहत दी है और हिदायत भी दी है कि नशा न करें और नशा करना नाजायज़ और हराम है। कोई भी शख्स हो वो इस दायरे में अगर आता है तो मुजरिम होगा और गुनहगार होगा। जहाँ तक शाहरुख खान के बेटे की बात है तो शाहरुख खान हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत हैं और एक बड़ा चेहरा है, मगर उनके बेटे ने नशे के जुर्म में जो कसूरवार है और जिस तरीके से वो गिरफ्तार है तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। इसकी वजह तलाश करें तो सीधी सीधी बात यह है कि शाहरुख खान का बेटा अगर मदरसे में पढ़ा होता तो उसको आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। दरअसल मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो इब्तदाई तौर पर हो या आला तौर पर, उसमें नशाखोरी के ताल्लुक से बहुत तफसील से बताया जाता है कि कितना अजीम गुनाह है। तो मदरसे में तालीम ना हासिल कर पाने की वजह से आज शाहरुख खान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। इसी सिलसिले में कल शाम 6 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीसी की बैठक होगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हाशिए से निकला जाए इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मंथन कर रही हैं। बीते एक साल में यूपी में हुई हर बड़ी घटना पर उन्होंने जमीन पर उतरकर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन कांग्रेस को लगातार उसके कार्यकर्ता बड़ा झटका दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर उसके कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी बैठक होने जा रही है सोनिया गांधी के आवास पर, कल ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हो सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय हैं, तो पुरजोर कोशिश हो रही है कि जो हाशिए पर कांग्रेस पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में है उससे निकला जाए और एक आंकड़े तक पहुंचा जाए। तो बीते कई दशकों से कांग्रेस ने जीत का स्वाद उत्तर प्रदेश में नहीं चखा है। जीत तो छोड़िए, शून्य से भी उभरने में बहुत समय कांग्रेस को लगा है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, कांग्रेस के कई कद्दावर नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक बैठक करने जा रही है। इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन पर कैसे दाव खेला जाए, किस तरह से बूथ स्तर तक पार्टी पूरी तैयारी करे, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कल चर्चा हो सकती है। सत्ताईस अक्टूबर को मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली में अखिलेश यादव जाएंगे, वहीं मंच से गठबंधन का ऐलान भी होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने शर्त रखी है कि मंच पर अखिलेश यादव के अलावा ना एसपी नेता होंगे, ना नीचे कार्यकर्ता होंगे, ना ही समाजवादी पार्टी का झंडा होगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी शर्तों पर ही गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बीजेपी हमारी शर्तें मानती हैं तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे, जो भी दल हमारी शर्तें मानेगा हम उसी दल के साथ अपना गठबंधन करेंगे। तो राजभर की रैली में जाएंगे अखिलेश यादव, वहीं से गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने शर्त रखी है कि अखिलेश यादव के अलावा वहां एसपी का कोई नेता नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होंगे, एसपी का झंडा भी नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है और इसे अमली जामा पहनाया जाएगा इस रैली में, जो रैली होने जा रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने शर्त रखी है कि मंच पर अखिलेश यादव के अलावा ना एसपी नेता होगा, ना कार्यकर्ता होगा, ना समाजवादी पार्टी का झंडा होगा। क्या अखिलेश यादव तैयार होंगे इसके लिए? देखिए काजल, अभी 27 अक्टूबर को मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। हालांकि इस मसले में ओम प्रकाश राजभर ने भले ही अपने तरफ से बयान जारी कर दिया है, लेकिन अभी अखिलेश यादव के तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि 27 तारीख को क्या वाकई में वो मऊ में मंच शेयर करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ बराबर खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर के तरफ से ही बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मऊ में 27 तारीख को एक बड़ी इनकी जो रैली है वो होगी और उस मंच पे जो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के साथ वही खड़े नजर आएंगे, ना ही एसपी का कोई बंदा वहां पे दिखेगा, ना कोई नेता दिखेगा, कार्यकर्ता भी होंगे वो भी आसपास नहीं दिखेंगे और ना ही पार्टी का कोई झंडा होना चाहिए। तो ये बयान जो है सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, अभी अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि 27 अक्टूबर को वाकई में इन दोनों लोगों का गठबंधन होगा। बिल्कुल रूबी, अंदर खाने क्या खबरें हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले कई बार कह चुके हैं कि जो हमारी शर्तें मानेगा हम गठबंधन उसी के साथ करेंगे। तो अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई है, क्या अखिलेश यादव उनकी शर्तों को मान चुके हैं? काजोल, देखिए अभी बैकफुट पे जरूर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि पहले जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के घर गए थे, उन्होंने मुलाकात करी थी,
इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ बैठक करी थी जिसमें उन्होंने भी अपनी शर्तें रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं शर्तें इनकी इतनी बड़ी आ जाती हैं बीच में जिसको लेकर जो सामने वाले जो पार्टी है वो तैयार होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब अखिलेश यादव के ऊपर इनका ये कहना है कि अखिलेश यादव 27 तारीख को मंच को शेयर करेंगे। हालांकि अभी तक इनके साथ एक बैठक जरूर हुई है लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कहीं से भी अभी कोई ये जवाब नहीं आया है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव उनके साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन 27 तारीख को देखना दिलचस्प होगा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर वाकई में जो कह रहे हैं क्या वो सच साबित होता है, क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर इस चुनाव को अंजाम देंगे। काजोल, ये वाकई में देखने वाला दिन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूबी। तो मंच से गठबंधन का ऐलान किया जाएगा लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव मंच पर नजर आने चाहिए, ऐसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। ना ही कोई एसपी कार्यकर्ता होगा, ना ही एसपी का झंडा उस रैली में दिखाई देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के मौसम में इन दिनों बदलाव जारी है। तापमान में अंतर के साथ अब सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी की दस्तक महसूस होती है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को पराली का धुआं और स्थानीय स्तर पर उड़ने वाली धूल के कारण हवा में PM 2.0 और PM 10 के स्तर में इजाफा हो सकता है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। साथ ही आगामी 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। तो 23 और 24 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम के मिजाज बदले हुए हैं लेकिन आने वाले समय में कुछ ही दिन में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज चौथे दिन फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर गहरा असर डाल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 106 रुपये जबकि डीजल का दाम 95.62 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये और डीजल की कीमत 103 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है और दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान और मायूस नजर आ रही है। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण काबू में आ गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई जबकि 14 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 186 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को 11,827 सैंपलों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 9 जिलों बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, धौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। साथ ही अल्मोड़ा में 2, चंपावत में 3, देहरादून में 8 और पौड़ी में 1 संक्रमित मरीज मिला है। तो कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 14 नए मरीज मिले हैं, एक मरीज की भी जान नहीं गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कोरोना कहीं ना कहीं जल्द ही शून्य का आंकड़ा पकड़ लेगा। बलरामपुर के बल्दीडीह गांव निवासी बीजेपी नेता कृष्ण प्रकाश शुक्ल की निर्मम हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को गहरा आहत पहुंचाया बल्कि इस हादसे से पूरा गांव दहशत में है। बता दें कि सोमवार को दिन दहाड़े बीजेपी नेता को घेरकर बेरहमी से ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया था। वहीं इस हादसे से ग्रामीणों ने अब घर के बाहर निकलना बंद कर दिया है। इस हादसे के बाद गांव का माहौल देखते हुए प्रभारी निरीक्षक जयदीप दुबे का कहना है कि ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। साथ ही बीजेपी नेता के हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
आगरा की सेव पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा करते हुए अपराध में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वही मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने अपने नशे का शौक पूरा करने के लिए किसान की हत्या की थी। वहीं इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि किसान का मामा और भांजा शामिल था। वहीं इस वारदात में आरोपी मामा भांजा समेत चार लोग शामिल थे, जिसमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी दोनों आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो आगरा का एक पूरा मामला जहां पर किसान की हत्या का खुलासा किया गया है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है किसान के मामा और भांजे ने मिलकर उसकी हत्या की थी अपने साथियों के साथ मिलकर। फिलहाल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दो की तलाश अभी भी की जा रही है। बागपत में पुलिस ने जींस की रंगाई की अवैध का फैक्ट्री का खुलासा करते हुए चार फैक्ट्रियों को सील कर दिया। बता दें कि पुलिस को काफी समय से इस अवैध फैक्ट्री की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। तो बागपत में पुलिस ने चार फैक्ट्रियों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती विरोधी दलों पर हमलावर हैं। मायावती ने अब कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दिए जाने की घोषणा को लेकर मायावती ने पलटवार किया। इसके अलावा मायावती ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर भी वार किया। मायावती ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर अपने अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत बीजेपी और सपा की तरह ही कई तरह के लोक लुभावने वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही। लेकिन मूल सवाल ये है कि इन पर विश्वास आखिर कौन करे और कैसे करे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।